हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड। जब हम अपने सेंटेंस में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इन्हें हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। प्रीपोजिशंस क्या काम करती हैं हमारे सेंटेंस में, ये हमें ये बताती हैं कि जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है वो सेंटेंस के दूसरे वर्ड से किस तरह रिलेटेड है, या कोई चीज़ कहाँ पर है उसका प्लेस बताने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, या कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, नीचे है, उस किसी के अंदर है। जैसे अभी हम पिक्चर में देख रहे हैं कि फर्स्ट में कैट है जो वो बॉक्स के अंदर है, तो हमें उसे बताने के लिए कि बॉक्स और कैट किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। द कैट इज़ सिटिंग इन द बॉक्स, जब हमें बताना होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तब हम इन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कैट कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, तो हम यहाँ क्या बताते हैं, ऑन द टेबल, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। तो इस तरह से हमने देखा दोनों सेंटेंस में कैट का और दूसरे वर्ड से जो रिलेशन बताने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब हम कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में समझते हैं। इस पिक्चर में कैट कहाँ है, टेबल के नीचे, तो नीचे दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर द टेबल। यहाँ पर कैट बॉल के ऊपर से जंप कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, ओवर द बॉल। जब दो चीज़ें आपस में टच नहीं कर रही होती हैं और एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो हम उस वहाँ पर ओवर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कैट इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉल। जब हमें किसी के सामने कोई चीज़ बतानी होती है कि बिल्ली जो है वो बॉल के सामने बैठी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ। द नेक्स्ट पिक्चर में कैट बॉल के पीछे है तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिहाइंड द बॉल। इस तरह से हम सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं। अब हम कुछ प्रीपोजिशंस को सुनते हैं, अंडर, अप, विद, बिहाइंड, नियर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें प्रीपोजिशंस की जगह पर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, एट, अबव, ओवर, फोर, बिटवीन। जब हमें दो लोगों के बीच में कुछ चीज़ बतानी होती है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। इन, इनटू, ऑफ, और डबल एफ ऑफ, बाय, ऑन, आउट, टिल, टू, फ्रॉम। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये हम अलग अलग सेंटेंस में प्रीपोजिशंस के जैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी नाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेशन बताने के लिए। अब हम सेंटेंस में कुछ प्रीपोजिशंस को मार्क करते हैं। अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पर जो अंडर है ये प्रीपोजिशन है, ये हमें बता रहा है कि कैट और टेबल किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैट टेबल के नीचे है। सेकंड, द रैट इज़ ऑन द चेयर, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन के जैसे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, द काउ इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द बुश, बिहाइंड मतलब पीछे। द टीचर इज़ सिटिंग अमंग हर स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ होता है तो हम अमंग यूज़ करते हैं। उषा स्टैंड्स नियर द विंडो, नियर पास के लिए बताने के लिए यूज़ करते हैं। द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने है, इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो इस तरह से हम सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। जब कोई चीज़ किसी की सरफेस पे होती है तो हम ऑन यूज़ करते हैं। सेकंड, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, वॉल पर लगी हुई है तो हम ऑन यूज़ करते हैं। हिज पेन इज़ इन हिज पॉकेट, पॉकेट में है तो इन यूज़ करते हैं। द मैन हिड नियर द ट्री, नियर ए ट्री, अब यहाँ पे पिक्चर में हमें पता चल रहा है ट्री के पास है, वो पीछे नहीं है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज ए स्मॉल टेबल बिटवीन द टू डोर्स, हम यहाँ पर बिटवीन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दो चीज़ों के बीच में बताना है।
माय शूज आर लाइंग अंडर द बेड, क्योंकि शूज कहाँ पर है, नीचे हैं बेड के, इसलिए। अब हम कुछ पिक्चर्स को देखकर समझते हैं कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ यूज होगी। अब यहाँ पर पेन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पेन इज इन द पॉकेट, फ्रॉग इज ऑन द लीव, यहाँ पर हम ऑन यूज करेंगे, यहाँ पर इसमें हम इन यूज करेंगे, यहाँ पर हम डॉग इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ हाउस, इस तरह से हम सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज करते हैं। द डॉग इज इन द कैनल, पेन इज इन द पॉकेट, फ्रॉग इज सिटिंग ऑन द लीव, इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। तो बच्चों ये था प्रीपोजिशंस के बारे में, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।